नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा कि पहले अपने शाला दर्शन पर जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शाला दर्शन चलता है और माध्यमिक शिक्षा में शाला दर्पण चलता है, जहां पर कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जहां पर ऑनलाइन समस्त प्रकार के कार्यों की अपने शिक्षा विभागी जो अपने स्कूल अंतर्गत चलते हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा है या मैन्युअली अपनी जो अपने कितने टीचर हैं क्या है, वो सारी जो फीडिंग होती है ऑनलाइन अपने स्कूल संबंधी, तो वो प्रारंभिक शिक्षा की शाला दर्शन पर फीडिंग होती है। तो उसका मूल्यांकन पहले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा, प्रारंभिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता था, लेकिन अपन ने अभी देखा है कि गत अप्रैल 2017 से ये आदेश पीओ को कर दिए हैं, जो सीनियर स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं उनको आदेशित कर दिया है और उनको पीओ की मतलब एक पद दिया गया है जिसमें उनको पीओ का शॉर्ट फॉर्म पदेन मतलब पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको इनका पीओ के नाम से इनको पद आवंटित किया है। तो अपने जो शाला दर्शन पर जो कार्यों का मूल्यांकन अब पीओ द्वारा किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं ये तो अपन सभी जानते हैं कि अपने शाला दर्शन पर जो कार्यों की फीडिंग की जाती है, जैसे अपना टीएफ फीडिंग किया जाता है, टीचर सेफ्रियल से फॉर्म जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में एसएमएफ की फीडिंग साल में दो बार होती है, टीएफ तीन बार होता है, और उसके बाद में अपने 3A की डाटा फीडिंग की जाती है जैसे बच्चों की, तो वो सारी रिकॉर्ड जो अपन शाला दर्शन पर फीड करते हैं तो वो डायरेक्टली पीओ लॉगिन में चला जाता है और अपने कार्यों का मूल्यांकन अब पीओ के द्वारा किया जाता है। तो आइए अपन देखते हैं इसकी पीओ लॉगिन में अपने कौन कौन से कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और कौन कौन से अपने अपडेट किए हुए शाला दर्शन में अपडेट कार्य करते हैं, तो पीओ लॉगिन में किस तरीके से अपन जाते हैं, तो आइए विस्तृत अपन इसको देख। यहाँ पर मित्रों आप देख रहे हैं ये पोर्टल बना हुआ है जो रामसा पर है, ये रामसा राजरामसा NIC.in। यहाँ पर ये पीओ की जो सूची दी हुए पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ये जिलेवार सूची भी अपन देख सकते हैं अपने स्कूल में, मतलब जिलेवार अपने स्कूल के पीओ की सूची सारी दी हुई है, जिलेवार सूची दी हुई है। तो इसमें मतलब कौन कौन से जो पीओ लॉगिन जो होता है, वो पीओ लॉगिन मतलब इनको अलग से एक पासवर्ड दिया हुआ है समस्त पीओ को, जैसे 10,000 करीब राजस्थान में पीओ जो स्कूल हैं, तो उनको अलग से अपना पोर्टल पर जारी करने के लिए पासवर्ड दिया गया है, जो लॉगिन और आईडी और प्लस उनको पासवर्ड दिया गया है, उनके माध्यम से वो लॉगिन किया जाता है पीओ लॉगिन पर, और उसके बाद में अपना जो भी उनके अंतर्गत जो सारी स्कूलें हैं उनमें उन स्कूलों की मॉनिटरिंग पीओ द्वारा की जाती है। आइए अपन इसको विस्तृत देखते हैं कि कौन सी लॉगिन के अंतर्गत उसमें अपने स्कूल के अंतर्गत इनको मतलब रिकॉर्ड जो होता है वो अपडेट। हाँ तो मित्रों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये पीओ लॉगिन जो पोर्टल जो पीओ को पासवर्ड दिया गया है, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य अपने जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्यों का मूल्यांकन जो पीओ के अधीनस्थ स्कूल हैं उनमें कौन कौन से कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जैसे इसमें भी जैसे अपने शाला दर्शन में आईडी जो अपन स्कूल की आईडी है उसको खोलते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पर भी ये पोर्टल दिया हुआ है और जिसमें अपन आसानी से इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल का जो मेन्यू है वो दिया हुआ है, उसके बाद में उस संबंधित स्कूल में कितने टीचर हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद में उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं वो दिया हुआ है, उसके बाद में स्टाफिंग पैटर्न का यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर जो स्कूल में बजट हेड कौन से स्कूल कौन से टीचर को कौन से हेड में के अंतर्गत सैलरीज दी जाती है, तो ये सारे जो भाग अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं यह आप अपन इसको विस्तार से देखेंगे इसको। तो यहाँ पर अपन पहले स्कूल लॉगिन जो होता है उस पर टिक करते ही तुरंत ये सारी चीज़ अपने सामने आ जाएगी कि जैसे ये स्कूल पर अपन ने टिक यहाँ पर किया तो ये P1 P3 स्कूल की लॉग समरी
कि यहाँ पर आपने मतलब अपन ने जो शाला दर्शन में लॉक किया है या नहीं किया है उसका यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। अपने स्कूल की सारी रिपोर्ट यहाँ पर पीओ लॉगिन में ये दर्शाएगी है। इसके बाद में एसएमसी रिपोर्ट, तो एसएमसी में अभी करना था अपन को अकाउंट में जो अपना एसएमसी खाता अपडेट करना था, प्लस एसएमसी की जो राशि है जो सब्सिडी अभियान के अंतर्गत आई हुई राशि की रिपोर्ट भी अपन को करनी थी। तो जिन जिन स्कूलों ने एसएमसी की रिपोर्ट करी है या नहीं करी है तो वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर पीओ लॉगिन में दर्शा देता है। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर विद्यालय समरी की, विद्यालय समरी विद्यालय का प्रबंधन एसएमसी है या एसडीएमसी जो भी है वो एसएमसी यूपीएस तक तो एसएमसी चलती है। और समरी विद्यालय श्रेणी शिक्षण का माध्यम कौन सा है, इंटरनेट की सुविधा है, विद्युत की उपलब्धता है या नहीं स्कूल में। उसके बाद में विद्यालय में संचालित परिसरों की संख्या या कितनी है, मतलब विद्यालय कितने परिसरों में संचालित होते हैं। उसके बाद में नामांकन, विद्यालय का नामांकन एवं शिक्षक कितने हैं और कितना नामांकन है। इसके बाद है पीओ द्वारा किए गए कार्य, जिसमें पीओ के द्वारा किए गए अधीनस्थ कार्यों के अंतर्गत ये जीपीएस के संस्था प्रधानों के परिचालक बैठक आयोजित करना और ये सारा उनके अवलोकनों का एवं विजिट आवश्यक रूप से स्कूल में जाकर के विजिट करना। और जो एक प्रधानाध्यापक समय में थे तो व्हाट्सएप एक ग्रुप जो अपने अधीनस्थ जितने भी टीचर हैं जितने स्कूल हैं उनमें कार्यरत टीचरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पीओ द्वारा तैयार किया जा चुका है। उसके बाद में एसएमसी सदस्य से संपर्क कर मोबाइल नंबरों का भी उनका संकलन किया गया है। और अकादमिक मॉनिटरिंग अधीन विद्यालय के समस्त शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार है। इसके बाद में पीओ लॉगिन में अधिकारिक क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलें प्रदर्शित, यानी कि पीओ की मैपिंग हुई, पीओ द्वारा स्कूलों की मैपिंग की गई है कि मेरे क्षेत्र में आने वाली जो स्कूलें हैं उनकी सारों की मैपिंग उन्होंने कर ली है। और उन्होंने आगे रिपोर्ट भी रामसा सीसीआर को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। तो इस तरीके से ये तो हो गया। उसके बाद में विद्यालय के फ़ोटो अपलोड, आपको ये शाला दर्शन में अपने विद्यालय के चार प्रकार के फ़ोटो भी अपलोड करने थे, जैसे विद्यालय का फ्रंट व्यू फ़ोटो, संस्था प्रधान कक्ष है, लहर कक्ष है, उसके बाद में विद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसके अंतर्गत जो फ़ोटो अपलोड करनी थी वो चार प्रकार की, उसमें चार में B4 भी है, जैसे अपना विद्यालय पुराना बना हुआ है तो वो B4 का लेना है और उसके बाद में आफ्टर का। तो इस तरीके से हम बिफोर आफ्टर में चार प्रकार की फ़ोटो डाल सकते हैं। तो ये भी फ़ोटो अपलोड जिन्होंने करी है उनका भी यहाँ पर बता देगा, और नहीं किए तो यहाँ पीओ लॉगिन में वो रिपोर्ट भी आ रही है। उसके बाद में आंगनवाड़ी समन्वयक, अपने स्कूल के परिसर में ये अभी नया आया है, ये अपन को एंट्री आपके शाला दर्शन में करनी है, ये शाला दर्शन में एंट्री करते ही तुरंत यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी थ्रू। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ जो है वो क्लियर है। और उसके बाद में है वो पद अनुसार समरी है इसमें, और कार्यरत अध्यापक कार्मिक विवरण है, उसके बाद में स्टूडेंट विद्यार्थी का विवरण, जैसे कक्षा ग्रुप वार विद्यार्थी 3A में जो अपन ने जुलाई में फिट करी है गत साल की वो एंट्री भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से अपन इसमें आसानी से अपने कार्यों का मूल्यांकन पीओ लॉगिन द्वारा किया जाएगा। अब इसमें स्टाफिंग पैटर्न में द्वितीय श्रेणी स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की संख्या, उसके बाद में यूपीएस में जो प्रधानाध्यापक है जैसे रिक्त पद है तो भी यहाँ पर वो शो दर्शाया जाएगा। इसके बाद में लेवल फर्स्ट के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की कितनी संख्या है, लेवल टू के कितने हैं रिक्त, और पीटीआई जो यूपीएस में मान लो एक पद रहता है तो उसके लिए भी पद आवंटित हैं यहाँ पर, कुल स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की संख्या, अधिशेष कार्मिक समरी, अधिशेष जिलावार ब्लॉक समरी और रिक्त जिलावार और स्टाफिंग पैटर्न। उसके बाद में यहाँ पर बजट हेड की वेतन मद अनुसार इसमें कितने टीचर कार्यरत हैं और किस किस को कौन से मद के अनुसार इनको वेतन आहरित किया जाता है। जैसे एक स्कूल में जैसे मान लो 20 टीचर हों और पीओ के अधीन मान लो 20 टीचर हों, मान लो 8-10 स्कूलें हों और उसके बाद में भी उसमें अधिशेष टीचर होते हैं तो उनका यहाँ पर जो अपनी मासिक उपस्थिति होती है उसका मूल्यांकन भी पीओ द्वारा किया जाना है। तो पीओ जो होते हैं वो अपने जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि इनका सैलरी यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो वो सैलरी अपन की बीओ ऑफिस से बनती है, जहाँ तक कि जहाँ टीचर जहाँ
मतलब वर्क कर रहे हैं वहीं पर उनकी सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा ये मित्रों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें दोस्तों। शिक्षा विभाग की ट्यूटोरियल ही मेरे द्वारा आपके पास में आते रहेंगे। तो थैंक्स दोस्तों।